एक्सटेंशन की वजह से हर दो साल बाद बोहरान खड़ा हो जाता है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तल्ख हकीकत बयान कर दी। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि जब कोई मुल्क वजूद में आता है तो वो उस वक्त ही तायुन कर लेते हैं कि मुल्क को किस निज़ाम के तहत चलाना है। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मजीद कहा कि मुझे नहीं समझ आई कि किस वक्त हमारे आगे जाने की रफ्तार कम हो गई और हमारे इदारों बशमूल अदलिया ने कभी भी मामलात को ठीक करने में संजीदगी नहीं दिखाई और जिसने मामलात ठीक करने की कोशिश की तो किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया। लिहाजा जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो वो बिगड़ते बिगड़ते अजीब शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मजीद कहा कि पिछले 10 सालों में एक एक्सटेंशन वाला सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले ने हमारे निज़ाम की साख्त को इतना मुतासिर कर दिया है कि हर दो साल बाद सवाल खड़े हो जाते हैं और इन सवालात के नतीजे में तवक्कुआत पैदा हो जाती हैं जिसके नतीजे में बोहरान खड़ा हो जाता है।